की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक 1.5 लाख रुपए के पीसी के बारे में। जी हाँ गाइस, 1.5 लाख रुपीज का ये पीसी बिल्ड होने वाला है जो कि हम लोगों ने बनाया अपने कस्टमर के लिए। एंड जो यहाँ पर हम लोगों ने सीपीयू एंड जीपीयू का जो कॉम्बो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा यार, वो काफी ज्यादा कमाल का है। सो गाइस, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बात करेंगे सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में जो कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यूज करे। सो गाइस, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपने लिए कोई ऐसी कमाल का यार पीसी बिल्ड करवाना हो, जैसे हम यहाँ पर एकदम बढ़िया बढ़िया पीसी बिल्ड बनाते रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आपको 40,000, 50,000, 60,000 चाहे कितना भी महंगा आपको पीसी बिल्ड बनवाना हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, एकदम बढ़िया तरीके से हम आपको सर्व करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट पीसी आपके लिए रहेगा वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपको भी अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करवाना हो तो डेफिनेटली यार हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो हमारा नंबर है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा जो कि 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल करके हमारी जो सेल्स टीम है उससे बात कर सकते हो एंड अपने पीसी बिल्ड के बारे में आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हो कि आपको जो है कौन से बजट के हिसाब से कौन सा पीसी लेना चाहिए। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप करके भी जो अपनी क्वेरीज है वो पता कर सकते हो। अगर आपको अपने कोई पीसी बिल्ड करवाना तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। साथ ही साथ गाइस, हमारी वेबसाइट भी है एंड पहले बता दूं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो आपको ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस मिलती है ना, वो यार काफी ज्यादा बढ़िया है इंडिया के हिसाब से। जितने भी पीसी बिल्ड्स में बनते रहते हैं यहाँ पर एंड जिस प्राइस में लोग ग्राफिक्स कार्ड्स लगवाते हैं यार, मैं बहुत बढ़िया प्राइस देता हूँ ग्राफिक्स कार्ड्स की, तो जो कि आजकल सबसे ज्यादा महंगे भी चल रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करवाना तो आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही साथ जो नंबर मैंने आपको ऊपर दिया था 7303986007, वो नंबर भी जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जाके आप लोग हमसे जो है रीच आउट कर सकते हो अपने पीसी बिल्ड के लिए। अब बढ़ते हैं गाइस फटाफट से हम लोग इस पीसी बिल्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में जो कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यूज करा है। तो हम लोगों ने यूज करा है एएमडी की तरफ से उनका राइजन 7 5800X प्रोसेसर जो कि 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में आने वाला है। काफी बढ़िया प्रोसेसर है। जब ये लॉन्च हुआ था तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था उस टाइम पर, लगभग 40,000 रुपए के आसपास में ये प्रोसेसर आपको मिलता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप इसको लेने जाओगे तो अब थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, लगभग 35,000 रुपीज के आसपास में ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में आ जाता है, राइजन की 5000 सीरीज के अंदर आ जाता है एंड काफी बढ़िया, चाहे आपको गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, हर एक वर्कलोड के हिसाब से ये जो प्रोसेसर है एकदम बढ़िया रहता है यहाँ पर। साथ ही साथ हम लोगों ने इसको पेयर करा एक लिक्विड कूलर के साथ में जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका कैसल 240EX ARGB, ठीक है, काफी बढ़िया लिक्विड कूलर है एंड यहाँ पर हम लोगों ने इसके टेम्परेचर्स को भी चेक करा था, काफी बढ़िया है एंड काफी अच्छे खासे जो टेम्परेचर्स है वो इस ये कूलर जो है मेंटेन करा देता है हमारे प्रोसेसर के। बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है MSI की तरफ से उनका MPG X570 गेमिंग एज वाईफाई मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है ये हमारे कस्टमर की चॉइस थी, ठीक है, उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करा था, हमारा जो कस्टम कॉन्फ़िगरेटर है ना वेबसाइट के ऊपर उसमें से एंड उनको यही वाला जो मदरबोर्ड है वो चाहिए था। तो काफी बढ़िया मदरबोर्ड है यार इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से, साथ ही साथ राइजन 7 5800X प्रोसेसर के हिसाब से ईजिली जो ये मदरबोर्ड है इस प्रोसेसर को हैंडल यहाँ पर कर लेगा। बात करेंगे यहाँ पर हमारी रैम के बारे में, तो रैम इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने टोटल यहाँ पर यूज करी है 16GB जो कि आ जाती है XPG की तरफ से उनके D60G जो कि RGB रैम स्टिक्स है, 8-8GB की टोटल दो स्टिक्स जो कि 3200MHz के ऊपर यहाँ पर क्लॉक्ड है। काफी बढ़िया रैम स्टिक्स है जिसका कि हम लोगों ने इसके अंदर यूज करा है एंड मतलब काफी मतलब ट्रांसपेरेंट सी आती है, ठीक है, वाइट से कलर की है एंड जब जलती है तो पूरी जगमगा जाती है, ठीक है, तो मतलब लुक्स जो इस पूरे रैम से आती है निकल करके वो काफी बढ़िया हो जाती है यहाँ पर। बात करें यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है ASRock की तरफ से उनका RX 6600 XT ग्राफिक्स कार्ड एंड ये जो ग्राफिक्स कार्ड है अगर आपको थोड़ा जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये किसके बराबर लगभग ये परफॉर्म करता है। तो देखो भाई, जो हमारा RTX 3060 है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म करता है एंड लगभग जो उसकी परफॉर्मेंस आती है वो आती है 3060 Ti के आसपास में, ठीक है, एंड 3060 Ti से। लेकिन ये जो ग्राफिक्स कार्ड है जो हमने दिया है हमारे भाई को वो लगभग 10,000 रुपये सस्ता दिया है, मतलब जो इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस है ना वो थोड़ी सी सस्ती रहती है 3060 Ti के मुकाबले में, लगभग 10 से लेकर के 15,000 रुपये सस्ता ये ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो हमारे भाई ने वो उन्होंने जो है इस ग्राफिक्स कार्ड को खुद ही सिलेक्ट करा था हमारे कस्टम कॉन्फ़िगरेटर के अंदर एंड उनको जो है यही वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है वो चाहिए था। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो लुक्स भी इस ग्राफिक्स कार्ड के वो काफ़ी बढ़िया है एंड क्वालिटी वाइज भी जो है काफ़ी अच्छा है। बैक प्लेट भी जो है इसके अंदर है वो भी काफी अच्छी खासी जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। बात करें यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करी एक तो 512GB की NVMe SSD जो कि RGB SSD है। जी हाँ गाइस, मतलब RGB में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है,
जितनी भी चीज हो वो सब RGB कर दो। तो इसलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर XPG की S40G 512GB की RGB SSD का यहाँ पर यूज करा है। एंड बी रोल्स के अंदर तो खैर आप लोग यहाँ पर देख ही लोगे कि जो RGB SSD है वो कैसी लगती है यार लगने के बाद, एंड जो लुक्स हैं वो आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसके। एंड साथ ही साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है 2 TB की हार्ड ड्राइव का यूज करा है, जो किया जाती है WD की तरफ से, एंड 2 TB की हार्ड ड्राइव, 512GB की NVMe SSD। तो मोर देन इनफ जो इनके पास अब यहाँ पर जो स्टोरेज हो गई है अपने सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी गेम्स वगैरह डालने होंगे, अच्छी खासी जो स्टोरेज स्पेस है वो उनको अपने PC के अंदर जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करें यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो 650 वॉट की पावर सप्लाई का हम लोगों ने यहाँ पर यूज कराए, जो कि आ जाती है एंटेक की तरफ से उनकी CSK 650 प्लस ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ में आ जाती है। एंड मैंने हमेशा कहा है कि जब भी PC बिल्ड करते हो तो कभी भी पावर सप्लाई के ऊपर आपको चिप आउट नहीं करना चाहिए, हमेशा एक अच्छे ब्रांड की एक अच्छी क्वालिटी के पावर सप्लाई का यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है एंटेक की CSK 650 पावर सप्लाई। एंड यहाँ पर गाइज अब हम लोग बात करें हमारे, ठीक है, बहुत ही एक बढ़िया चीज़ के बारे में, यानी कि हमारी कैबिनेट के बारे में, क्योंकि कैबिनेट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे PC के जो लुक्स हैं वो डिसाइड करती है कि वो कैसे लगने वाले हैं। तो देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी है लियानली की LANCOOL 215 कैबिनेट। एंड ये कैबिनेट यार मतलब कुछ अलग ही लगती है यार देखने में, जो लुक्स मिलते हैं ना इस कैबिनेट से वो यार काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। एंड सामने की तरफ आपको दो बड़े बड़े यार 200mm के फैंस मिलते हैं, सामने देख सकते हो भाई बड़े बड़े दो फैंस हैं। एंड एयर फ्लो भी जो एक फैंस जो यहाँ पर मेंटेन कराते हैं ना वो काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। पीछे वाला जो फैन है, हालांकि इसके अंदर आपको नॉन RGB मिल जाता है, मैं पूछ लूंगा एक बार उनसे, मैंने पूछा नहीं था कि क्या उनको ये वाला जो फैन है पीछे वाला वो चेंज कराना है या फिर नहीं। तो अगर यहाँ पर भी जो है ऐसे ही एक फैन लग जाता है RGB वाला, तो इसके जो लुक्स है इस PC के वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमने पूछा नहीं था कस्टमर से, मैं तो सीधा वीडियो बनाने आ गया, तो एक बार जो है उनसे पता कर लेंगे कि क्या उनको पीछे RGB फैन लगवाना है या फिर नहीं। लग जाएगा तो यार काफ़ी बढ़िया लगेगा देखने में। एंड यही था गाइस हमारा PC बिल्ड 1.5 लाख रुपए का, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है कॉम्बो यूज करा राइजन 7 5800X का, साथ ही साथ RX 6600XT। गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, हर एक वर्कलोड के हिसाब से काफी बेहतरीन यहाँ पर जो है कॉम्बो हो जाता है। एंड कैसा लगा आपको ये PC बिल्ड यार हमको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, साथ ही साथ लुक्स वाइज ये PC आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। RGB SSD का भी यूज करा था, तो मतलब RGB जो है भर दी है इस PC के अंदर, बस खाली जो पीछे वाला फैन है ये और चेंज हो जाएगा तो यार काफी बढ़िया लगेगा। बाकी गाइस साथ ही साथ अगर आपको भी अपने लिए कोई ऐसे कमाल का PC बिल्ड करवाना हो तो आप डेफिनेटली यार मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, नंबर वेबसाइट की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स मैंने इस PC बिल्ड के अंदर यूज करे हैं ना सभी की जो लिंक्स है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप इनमें से कोई इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट परचेज करने में इंटरेस्टेड हो सो लिंक्स आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे इस एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।